दोस्तों क्लासिफिकेशन चैप्टर से 20 सवालों की ये दूसरी सीरीज है। आज के ये 20 सवाल काफी इम्पोर्टेंट हैं, जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में बार बार पूछे गए हैं। इन 20 सवालों के जवाब के साथ साथ इनका पूरा विस्तार भी हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक सवाल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला सवाल है, जेनरा प्लेनेटेरियम किसके द्वारा लिखित है? जेनरा प्लेनेटेरियम वाज रिटन बाई, यानी जो जेनरा प्लेनेटेरियम बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेनरा प्लेनेटेरियम बुक बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसमें तीसरा विकल्प सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जाति व उपजाति के बीच की कोट यानी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो जाति और उपजाति के बीच में जो श्रेणी आती है, जो कैटेगरी आती है, उसे अर्ध जाति कहते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी, यानी जंतु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और इसके बाद फिर क्या है, इथनोबायोलॉजी, तो पीपल्स और एनवायरनमेंट के बीच क्या इंटरेक्शन है, इसे इथनोबायोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी, तो जीवों का जीवों से तथा जीवों का वातावरण के साथ क्या रिएक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेज, यानी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसमें सबसे छोटी इकाई स्पेसीज है, यानी कि आती है। आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जीनस जी से आ रहा है और जात भी ज से आ रहा है, तो आप जीनस का मतलब जाति ना समझेंगे, जीनस का मतलब वंश होता है, जीनस का मतलब वंश होता है, स्पेसीज का मतलब जाति होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पेसीज है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। बाकी स्पेसीज से बड़ी जो इकाई होती है उसे जीनस कहते हैं, और जीनस से बड़ी जो इकाई है वो आर्डर है, आर्डर से भी बड़ी इकाई क्या है, क्लास है, आर्डर से भी बड़ी इकाई क्लास है। तो आप सब के बारे में जानते रहें, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हु सजेस्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्राणियों का पांच जगत वर्गीकरण दिया गया है उसे किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पहला विकल्प सही है। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने पांच जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें पांच जगत में पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया, यानी कि पांच जगत उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज है? यानी जो बेंथम और हुकर वर्गीकरण दिए थे उसमें कुल कितनी सीरीज थी? तो बेंथम और हुकर जो है वो डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किए थे, तो उसमें कुल 21 सीरीज बनाया था उन्होंने, जिसमें मोनोकॉट में 7 सीरीज थी और डाइकॉट में 14 सीरीज थी। तो टोटल मिलाकर के 21 सीरीज, यानी कि ऑप्शन सी तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, यानी जो बेंथम और हुकर वर्गीकरण दिए थे वो इसमें से कौन सा वर्गीकरण था? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति था। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा। बाकी जो कृत्रिम वर्गीकरण यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसे लिनियस ने दिया था, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हचिंसन ने दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हचिंसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है, यानी बेंथम और हुकर के द्वारा जो वर्गीकरण की पद्धति वो कौन सी है? तो अभी इसके पहले ही यह सवाल आया है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। अगला सवाल है, इसे अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर,
इन द स्टेटमेंट यानी जो आगे कथन कहा जा रहा है उसमें आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ यक्स, यानी कि यक्स कोई मूल स्पेसिमेन है और आइसोटाइप उसका डुप्लीकेट स्पेसिमेन है। फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ सेम डेट एंड सेम लोकलिटी, यानी कि जो यक्स मूल टाइप है यानी कि जो मेन स्पेसिमेन है, आइसोटाइप तो उसकी जगह पर खोजा गया स्पेसिमेन है, लेकिन कहाँ से खोजा गया है, तो सेम कलेक्शन सेम डेट यानी एक ही डेट से खोजा गया है, एक ही डेट पर उसी डेट के दिन जिस दिन यक्स को खोजा गया, यानी यक्स क्या है, मूल स्पेसिमेन है, और सेम लोकलिटी मतलब एक ही लोकलिटी एक ही एरिया से खोजा गया है, तो यहाँ पर यक्स को क्या कहेंगे, यही पूछा गया है। यक्स स्टैंड फॉर यानी यक्स को क्या कहेंगे, तो यक्स को क्या कहेंगे, होलोटाइप कहेंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही यानी दूसरा विकल्प सही है। आपको एक बार फिर से समझा दें, जो मुख्य स्पेसिमेन होता है जिसे पहले खोजा जाता है उसको होलोटाइप कहते हैं, बाकी इसकी जगह पर इसी के जैसा इसी लोकलिटी से इसी डेट पर जो खोजा गया स्पेसिमेन है वो क्या है, आइसो टाइप है। तो यही बात यहाँ पर पूछा गया है कि आइसोटाइप जिसके हिसाब से खोजा गया जिसकी तरह खोजा गया उसको क्या कहेंगे, तो होलोटाइप कहेंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो, यानी कि यहाँ पर जो मूल टाइप सामग्री जिसे पहले खोजा गया था वो अनुपलब्ध हो, तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यानी उसी के जैसा दूसरा नमूना चुना जाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिन टाइप कहते हैं, इसे सिन टाइप कहते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है, तो उसे क्या कहलाएगा, यानी कि ऐसा नाम जिसमें वंश का नाम और जाति का नाम दोनों पूर्ण रूप से एकदम समान हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे टाटोनिम कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब जाति का नाम वंश के नाम के समान होता है तब वह कहलाता है, यानी जब जाति का नाम और वंश का नाम पूरा एक जैसे हो तो क्या कहलाएगा, अभी इसके पहले ही यह सवाल आया था, तो उसे क्या कहेंगे, टाटोनिम्स कहेंगे। इसमें दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, द टाइप स्पेसिमेन यूज बाई आथर फॉर डिस्क्राइब द प्लांट फॉर फर्स्ट टाइम नोन, यानी पहली बार खोजा गया स्पेसिमेन क्या कहलाएगा जिसका यूज कर रहा है आथर, आथर का मतलब खोजने वाला, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा होलोटाइप। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो शुरू में यानी कि पहले स्पेसिमेन खोजा जाता है उसे होलोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि, यानी जो वनस्पति शास्त्री होते हैं वह पौधों के नाम लैटिन भाषा में क्यों रखते हैं, तो इसमें चार विकल्प दिया गया है। पहला देखिए क्या है, वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, तो यह विकल्प गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, ये भी गलत है। चौथा विकल्प जो है इसमें ये सही है क्योंकि इसमें कहा गया है ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, यही वाला ऑप्शन सही यानी कि चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है, यानी कि हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो इसमें थियोफ्रेस्टस यानी कि जो दूसरा विकल्प है वो सही है, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और इसमें जो रॉबर्ट हुक है ये कोशिका की खोज किए थे, जो लीनियस हैं ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, और जो चौथे विकल्प में लीवेनहॉक है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। तो अगला क्वेश्चन है, बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के, फिर खाली जगह है, के समकक्ष है, यानी कि बेंथम हुकर का जो कोहार्ट शब्द था उसकी जगह पर आज किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो आर्डर यानी कि गढ़ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें दूसरा विकल्प यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज शब्द का चयन किया, यानी कि स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया, तो स्पीसीज शब्द का चयन जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह सवाल पिछले लेक्चर में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फूल गोभी कैबेज नालखाल
एवं सलजम कितने जेनरा से संबंधित है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आ चुका है, यानी कि जो यहाँ पर चार पौधे का नाम दिया गया है, कलीफ्लावर, कैबेज, नालखाल यानी कि गांठ गोभी और टर्निप यानी कि सलजम, ये जो चारों पौधे हैं ये कितने जेनरा से यानी इन चारों पौधों के कितने जीनस हैं। देखिए स्पेसीज तो चार है, पहले ही पता चल गया कि चारों चार स्पेसीज के हैं, लेकिन इनका जीनस कितना है, तो अभी जीनस का पता चल जाएगा। तो देखिए जो कलीफ्लावर होता है इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, और बाकी जो कैबेज है इसका बोटेनिकल नाम होता है ब्रेसिका कैपिटेटा, और जो नाल खाल यानी कि गांठ गोभी है इसका बोटेनिकल नाम होता है ब्रेसिका गंगाइलॉयड्स यानी ब्रेसिका गंगाइलॉयडिस भी कहा जाता है। तो ये भी ब्रेसिका आ गया, इसका मतलब अभी तीनों पौधे एक ही जीनस ब्रेसिका से हैं। और जो अगला है टर्निप, इसका नाम है ब्रेसिका रापा, तो यह भी ब्रेसिका जेनरा से ही है। तो चारों आप देख रहे हैं ब्रेसिका के हैं यानी चारों के एक ही जेनरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि जो पहला विकल्प है यह सही है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम है, यानी जो सामान्य ब्रेड व्हीट है जिसकी रोटी बना करके खाया जाता है इसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिबम, इसे सभी लोग जानते होंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से 20 सवालों का जवाब और उनका क्या डिस्क्रिप्शन है यह आप अच्छे से समझ गए हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।